आज हम आपको गुड़ से बने आइटम दिखाते हैं। तो यहाँ हमने देखिए गुड़ को बॉईल कर लिया है थोड़ा सा हल्का सा गुनगुने पानी में, जिससे कि अच्छे से ये घुल जाएगा। आप चाहें तो पहले से नॉर्मल पानी में भी गला सकते हैं। मैंने यहाँ जल्दी की वजह से थोड़ा सा इसे गर्म कर लिया है पानी को और यहाँ भिगो दिया है। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल कर लिया है और इसके मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ मीठी जो होती हैं, हमारे यहाँ मीठे पुआ बोलते हैं इसे। और ये मैंने साथ ही सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं वो गला दिए हैं, तो इससे मैं टिकिया बनाऊंगी बाजरे की। तो तिल को भी हमने भिगो दिया है, जो भी इसमें मिट्टी वगैरह होगी तो वो अच्छे से निकल जाएगी। और कढ़ाई में हमने ऑयल भी पकने के लिए रख दिया है। यह हमारा बैटर तैयार हो गया है। यह हमने बाजरे का आटा ले लिया है और तिल का पानी निकाल करके साफ़ कर दिया है। और ये हमने जो घोल था वो तैयार कर लिया है। और इसके बाद ये देखिए ये जो घोल है हमारा, इसे थोड़े से हम बाजरे की टिक्कियों के लिए यूज करेंगे और जब बच जाएगा उससे हम मीठे पुए बनाएंगे। और इसमें थोड़े से तिल डाल लिए हमने, चाहो तो आप आटे में भी तिल डाल सकते हो। तो यहाँ देखिए हमने आटा गूँथ लिया है उस गुड़ के मीठे पानी से। और आटा हमको ना ही ज़्यादा पतला गूँथना है और ना ही ज़्यादा टाइट गूँथना है। और इस तरीके से देखिए हाथों से टिकिया जैसी बना लेंगे और मीडियम गैस पे ऑयल को गर्म करके और इसमें हम सेकेंगे। और देखिए हमारी बहुत ही अच्छी शानदार बाजरे की टिकिया बन करके रेडी हुई हैं। और ज़्यादातर इन्हें हम सर्दियों में बनाते हैं क्योंकि बाजरा जो है गर्म होता है, तो ये सर्दियों में ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये देखिए, और टिकिया बनाते समय आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी अच्छी टिकिया बनेंगी। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है, नहीं तो टाइट हो जाती हैं काफ़ी। और गुड़ का जो पानी होता है आपको वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही पतला होना चाहिए। तो आपकी टिकिया जो है बहुत ही सॉफ्ट अच्छी बनेंगी। और अगर जैसे घर में थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो नहीं खा पाते हैं, तो आप मुलायम वाली सॉफ्ट वाली बना सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं उन्हें टाइट ज़्यादा पसंद है, तो आप टाइट बना सकते हैं उनके लिए। यहाँ देखिए हमारी टिकियाँ बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनी हैं, तो आप बना करके देखिए, ट्राई कीजिए ज़रूर। और बहुत ही हेल्दी होती हैं ये। और अब देखिए जो हमारा थोड़ा सा घोल बच गया था उसके हम गेहूं के आटे से मीठे पुए बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हम गेहूं का आटा ले लेंगे और इसी घोल में हम आटा डालेंगे। ये भी हमें घोल ऐसा बनाना है, ना ही पतला हो ना ही गाढ़ा। तो ये देखिए हमारा घोल बन चुका है। और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, और जो सौंठ आती है अदरक की कुटी हुई जो, उसे भी डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ हमने सरसों का तेल कढ़ाई में कर लिया था, सरसों के तेल में ही ये अच्छे बनते हैं। और हाथों से इस तरीके से छोटे छोटे पकौड़ी जैसे हम डाल देंगे। और ज़्यादातर हमारे यहाँ ये सावन के महीने में बनते हैं मीठे पुए, और सभी जगह इन्हें अलग अलग नाम से बोलते हैं, हमारे यहाँ मीठा पुआ बोलते हैं इसे। और बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये। और इन्हें धीरे धीरे इसी तरीके से, ज़्यादा हाई गैस पर नहीं, इन्हें फ्लेम पर करना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये। और देखिए हमारे मीठे पुए बन करके रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आप खाइए और बच्चों को खिलाइए, हेल्दी है। और यहाँ देखिए हमने गुड़ वाली चाय बना दी है, और चीनी की जगह हमने यहाँ गुड़ डाल दिया है। और चीनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है, और गुड़ की चाय पीजिए आप, बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमारी चाय भी रेडी हो गई है गुड़ से बनी हुई, आप इसे ज़्यादातर सर्दियों में पिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है।
और तो देखिए हमारी चाय, और छोटी सी एक ट्रिक और बताएंगे हम आपको बीच में, जिनके भी कैल्शियम की कमी होती है तो वो जो है गेहूं के बराबर थोड़ा सा चूना जो है पानी में मिला करके या फिर सब्ज़ी में मिला करके खा सकते हैं, इससे कि जो पैरों में दर्द की दिक्कत होती है कि जिस किसी को भी, उसमें फ़ायदेमंद है और बच्चों के दिमाग को भी तेज़ करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा ही खिलाना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो जो हमारे स्किन होती है वो